जैसा ही एक और पवित्र स्थल है सोलन के जटोली गांव का नव निर्मित शिव मंदिर। ये मंदिर सोलन नगर के बाजार से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। प्राकृतिक पृष्ठभूमि वाला ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है, इसी कारण दूर से ही दिखाई देता है। मंदिर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला सारा मार्ग पैदल चलना पड़ता है। सड़क से मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर एक सुंदर तथा कलात्मक प्रवेश द्वार निर्मित है। दो स्तंभों पर निर्मित इस प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है, अर्थात मंदिर की ओर प्रस्थान करने पर सर्वप्रथम श्री गणेश के दर्शन होते हैं। इसी प्रवेश द्वार के दूसरी ओर शिव परिवार की बड़ी ही मनोहारी प्रतिमाएं विद्यमान हैं। ये सभी प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग पर विद्यमान हैं। मंदिर क्योंकि एक पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसके कलश और पताकाएं दूर से दृष्टिगोचर होने लगती हैं। ये मंदिर पूर्ण रूप से दक्षिण शैली पर आधारित है। इसका निर्माण दक्षिण के मंदिरों की निर्माण शैली का ही एक आकर्षक रूप है। इस मंदिर की ऊंचाई भी उत्तर भारत के और विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्र के मंदिरों की अपेक्षा बहुत अधिक है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के वातावरण एवं भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर यहाँ मंदिरों के शिखर की ऊंचाई 30-40 फुट के लगभग ही होती है। अनेक मंदिर तो इससे भी कम ऊंचाई के बनाए जाते हैं, किंतु दक्षिण भारत के समतल क्षेत्र में मंदिरों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। जटोली के इस शिव मंदिर की ऊंचाई भी लगभग 111 फुट है। ये इस क्षेत्र के सामान्य मंदिरों से लगभग 3 गुना अधिक है। मंदिर का भारी ढांचा भी इस प्रकार का है जैसे मानो एक के ऊपर एक निरंतर 3 मंदिरों का निर्माण किया गया हो। इतनी अधिक ऊंचाई होने के उपरांत भी इसकी बाहरी सज्जा कल्पना से परे है। मंदिर का भवन पूर्ण रूप से नव निर्मित है, किंतु पारंपरिक कला का प्रभाव भी स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। बाहरी दीवारों तथा शिखर पर विभिन्न आकार के अनेक चौकटे बने हुए हैं। इन सभी चौकटों में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। सभी प्रतिमाएं विभिन्न मुद्राओं में विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त चौकटों के मध्य जो रिक्त स्थल है वहां भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। सभी प्रतिमाओं के चहुं ओर फूल पत्तियों के आकर्षक आकार निर्मित किए गए हैं। मंदिर का परिसर विशाल भव्य तथा आकर्षक है। मंदिर के भीतर भगवान शिव शंकर मूर्ति के अतिरिक्त शिवलिंग रूप में विद्यमान है। स्फटिक से निर्मित शिवलिंग चांदी जड़ित जलहरी के ऊपर स्थापित है। जलहरी का ऊपरी तथा निचला दोनों भाग पूर्ण रूप से चांदी के पत्रों से जड़ित है, जिन पर सूक्ष्म किंतु कलात्मक आकार उकेरे गए हैं। इसके ठीक ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर एक बड़े आकार का जल कलश स्थापित है, जिसमें से जल की सूक्ष्म धारा निरंतर शिवलिंग पर गिरती रहती है। ये जल कलश भी चांदी जड़ित है। इसके पीछे दीवार के संग शिवशंकर मूर्ति रूप में अपने परिवार संग विराजमान है। ये परिवार गुफा का आभास देने वाले एक आकार में स्थापित है। भगवान शिव माता पार्वती संग विराजमान है। दोनों प्रतिमाएं पारंपरिक वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित हैं। भगवान शिव मृग छाल ओढ़े हैं, जबकि माता साड़ी धारण किए हैं। इन्हीं के निकट दाईं ओर
श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित है, वो भी सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र एवं आभूषण धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार बाईं ओर भगवान शिव के दूसरे सुपुत्र भगवान कार्तिकेय मोर पर सवार मूर्ति रूप में विराजमान हैं। ये प्रतिमा भी आकर्षक वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित है। ये सभी प्रतिमाएं श्वेत वर्ण के पत्थर से निर्मित हैं। मूर्ति कला नवीन है किंतु चित आकर्षक है। शिवलिंग की पृष्ठभूमि में स्थापित शिव परिवार की ये आकर्षक प्रतिमाएं मंदिर की आध्यात्मिकता में और अधिक वृद्धि कर देती हैं। मंदिर के परिसर में शिव भगवान के प्रिय वाहन नंदीगण विराजमान हैं। नंदीगण की ये प्रतिमा आकार में पारंपरिक रूप से थोड़ी भिन्न एवं बड़ी है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सन्मुख स्थापित ये प्रतिमा अकेली नहीं है, इनके पीछे भगवान शिव के अन्य गण भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। संभवतः ये पहला ऐसा शिव मंदिर होगा, विशेषकर उत्तर भारत में, जहां नंदीगण के अतिरिक्त भोले शंकर के अन्य गण भी मूर्ति के रूप में स्थापित किए गए हैं। नंदी सहित सभी गण सामने मंदिर की ओर इस प्रकार से देख रहे हैं मानो प्रभु की एक झलक से उनका सारा जीवन ही समर जाएगा। सत्य तो ये है कि प्रभु के प्रिय गण वैसे भी मोक्ष प्राप्त कर जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। जटोली के इस शिव मंदिर का निर्माण एक महान आध्यात्मिक संत के यत्नों से ही संभव हो पाया। हिमाचल प्रदेश के इस पर्वतीय क्षेत्र में इस विशाल एवं भव्य मंदिर के निर्माण में 30 वर्ष लगे। मंदिर के भवन तथा इसकी कलात्मकता को देखकर सहज ही ये आभास हो जाता है कि इसका निर्माण कोई सरल प्रक्रिया नहीं रही होगी। मंदिर के भीतर तथा बाहर ऐसा कोई भी भाग नहीं है जहां पर कला तथा आध्यात्मिकता के दर्शन ना होते हों। हर प्रतिमा, हर आकार जहां एक ओर कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर उसके भीतर समाई भक्तों की आस्था और विश्वास भी प्रखर होकर दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले संत स्वामी श्री कृष्णानंद परमहंस जी की समाधि भी मंदिर परिसर के एक ओर स्थापित है। समाधि के प्रवेश द्वार पर भगवान गरुड़, पक्षी तथा मूर्ति रूप में विराजमान हैं। इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित करने का उद्देश्य संभवतः मृत्यु से संबंधित गरुड़ पुराण की व्याख्या को उजागर करना है। स्वामी जी की समाधि मंदिर के आकार के छोटे से कक्ष में स्थापित है। अनेक भक्त मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों उपरांत स्वामी जी की समाधि पर माथा टेकने भी आते हैं। इस प्रकार लोग स्वामी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मंदिर परिसर के निकट ही एक प्राकृतिक जल स्रोत भी है, इसे स्थानीय भाषा में बावली कहा जाता है। यहाँ के निवासियों के अनुसार इस स्थान पर निकट में कहीं भी जल उपलब्ध नहीं था। तब स्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो ये जलकुंड स्वतः ही यहाँ प्रकट हुआ। इसमें सदैव जल भरा रहता है। इसके निकट ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में स्थापित किए गए हैं। लोग इस जलकुंड से जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इसी जल को वो चरणामृत के रूप में भी ग्रहण करते हैं। केवल ये जल ही नहीं अपितु हमारा जीवन भी प्रभु का ही एक आशीर्वाद है। इसे उसी प्रभु की भक्ति में लगाने से ही कष्ट दूर होते हैं और सुख में जीवन की प्राप्ति होती है। उमापति भगवान शिव को हमारा बार बार प्रणाम है।